हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको भारत के एक ऐसे खूबसूरत प्रदेश की सैर कराने वाले हैं जो कुछ मामलों में पेरिस से कम नहीं, कुछ लोग तो इसको भारत का अपना पेरिस भी कहते हैं। यहाँ की हर चीज आपको हैरान कर सकती है। इस प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ हाथी लोगों को आशीर्वाद देता है। यहाँ स्थित गांधी की प्रतिमा पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है और एक ऐसा प्रदेश जो अपनी बेहतरीन टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ के त्योहार इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जबकि यहाँ वाटर स्पोर्ट्स का इतना क्रेज है कि लोग खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक खूबसूरत प्रदेश पुडुचेरी की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं पुडुचेरी के एक शानदार सफर पर। आखिर फ्रांस जाना कौन नहीं जाना चाहता। दुनिया की इस सबसे खूबसूरत जगह की बात ही कुछ और है। लेकिन अगर आप घूमने के शौकीन हैं और फ्रांस जाने की तमन्ना भी रखते हैं लेकिन विदेश जाने के खर्च को सोचकर वहां नहीं जा पाते, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में भी एक फ्रांस मौजूद है जिसे पुडुचेरी कहते हैं। पुडुचेरी भारत के दक्षिणी तट पर स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी की पॉपुलेशन की बात करें तो यह है 12,44,464। पुडुचेरी का असली नाम पुडुचेरी था, जो कि तमिल शब्द पुतु और चेरी से लिया गया है, जिसे फ्रेंच लोग पौंडीचेरी कहा करते थे, लेकिन 2006 में इसका नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। पुडुचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेज यूं तो तमिल, तेलुगु और मलयालम है, लेकिन फिर भी यहां आपको लोग थैंक यू नहीं बल्कि मर्सी बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर पुडुचेरी के लोग फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की हवा में ही एक अलग जादू है, जिसकी वजह से लोग इस जगह की ओर खुद ही खींचे चले आते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इस क्षेत्र के चारों ओर सी साइट टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है। खास बात यह है कि 497 किलोमीटर का पुडुचेरी सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि अलग अलग जगह में बटा हुआ है। पुडुचेरी के जिलों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती नहीं है। किसी भी राज्य की सीमा में कई जिले होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मगर पुडुचेरी के साथ ऐसा नहीं है। पुडुचेरी के जिले अलग अलग राज्यों में मौजूद है, तभी इस जगह को अलग और खास माना जाता है। तमिलनाडु की राजधानी शहर चेन्नई से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर पुडुचेरी का टूर आपके जीवन में सुहानी पलों का बहार लाने के लिए काफी है। इसके पीछे भी कई कारण माने जाते हैं। दक्षिण भारत में बसा एक खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी घूमने के लिए वाकई में अच्छी जगह है और इस जगह को ठंड की छुट्टियां बिताने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सही तापमान से लेकर चारों तरफ की सुंदरता, सर्दियों का मौसम पुडुचेरी को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। पुडुचेरी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश अपनी आजादी का दिन 15 अगस्त को नहीं बल्कि एक अलग ही दिन मनाता है। साल 1954 के नवंबर के पहली तारीख को फ्रेंच की सरकार ने पुडुचेरी से अपना कब्जे को छोड़ दिया, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुडुचेरी को भारत में शामिल होने के लिए 9 साल तक इंतजार करना पड़ा और पुडुचेरी भारत में साल 1962 में जुड़ा, जो की तारीख ऑफिशियली पुडुचेरी को आजादी का दिन बनाती है, वो है 16 अगस्त। पुडुचेरी की अर्थव्यवस्था में कृषि और पर्यटन क्षेत्रों का प्रमुख योगदान है और केंद्र शासित प्रदेश की लगभग 45% आबादी कृषि और इससे संबंध गतिविधियों पर निर्भर है। पर्यटन क्षेत्रों से पुडुचेरी सालाना काफी अच्छी कमाई करते हैं। पुडुचेरी सिर्फ खूबसूरती के मामले में ही आगे नहीं है, इस शहर के काफी लोग पढ़े लिखे भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुडुचेरी की लिटरेसी रेट है 80%, जो कि भारत के बाकी राज्यों से काफी अच्छा है। इस जगह से जुड़ा एक और बेहद ही दिलचस्प फैक्ट है। शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी हो कि पुडुचेरी को द पेरिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बहुत से समुदाय फ्रांस के हैं। मतलब यहाँ जो भारतीय नागरिक हैं वो कोई ना कोई फ्रांस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पुडुचेरी में वैसे तो कई तरह की खास चीजें हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा गणेश मंदिर है जो सबसे अलग है। मनाकुला विनयगर नाम के इस मंदिर में एक हाथी आमतौर पर जाता है और भक्तों को आशीर्वाद देता है। इस हाथी का नाम लक्ष्मी है, जो कुछ शाम को मंदिर में आती है। वो तोहफे के तौर पर खाना और पैसा लेती है। हालांकि वो अब नियमित रूप से नहीं आती है, लेकिन आपका किस्मत अच्छी हो तो आप उसे देख सकते हैं और एक हाथी से आशीर्वाद ले सकते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि हाथी के आशीर्वाद से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वैसे भी भारत में हिंदू धर्म में हाथी को गणेश जी का रूप माना जाता है। हाथी के अलावा भी पुडुचेरी का ये मंदिर काफी खास माना जाता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि फ्रांस से आए लोगों ने कई बार इस मंदिर की गणपति प्रतिमा को समुद्र में डुबो दिया था, लेकिन प्रतिमा अपने आप स्थान पर वापस आ जाती थी। इसे चमत्कार कहेंगे या अंधविश्वास, ये तो कोई नहीं जानता। इसके अलावा भी मंदिर की पूजा में कई बार रोक डालने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान के चमत्कार के कारण कभी यह संभव नहीं हो पाया। अगर आप पुडुचेरी जाएं तो यहाँ के इस गणेश मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल न भूलें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुडुचेरी सदियों से अपनी बेहतरीन टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। फ्रांसीसी लोगों के लिए यहाँ बनाई गई टाउनशिप को व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जो शहर को खास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश के कई महापुरुषों की मूर्तियों को पुडुचेरी के
के बीच लगाया गया है और प्रोमिनेंट बीच पर लगाई गई महात्मा गांधी की मूर्ति इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है, इसलिए इस बीच को महात्मा गांधी बीच भी कहा जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गांधी प्रतिमा है। प्रोमिनेंट बीच पर लगी गांधी जी की मूर्ति के सामने ही फ्रेंच वॉर मेमोरियल है, जिसे उन फ्रांसीसी सैनिकों की याद में बनाया गया है जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए। पुडुचेरी जाए तो आप इन दोनों ही खास जगह को देख सकते हैं। इसके अलावा पुडुचेरी में स्थित सैक्रेड हार्ट बेसिलिका कैथोलिक चर्च दुनिया भर में मशहूर है। इस चर्च का निर्माण कार्य 1902 में शुरू किया गया और इस चर्च की खास बात यह है कि 2000 लोग एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। भले ही पुडुचेरी को भारत का हिस्सा माना जाता है, लेकिन यहाँ के त्योहार सबसे अलग होते हैं। पुडुचेरी में वैसे तो हर साल कई बड़े त्योहारों का आयोजन किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ के सबसे बड़े त्योहार की बात करें तो मासी मगम पूरे पुडुचेरी का सबसे बड़ा और खास त्योहार माना जाता है। मासी मगम का त्योहार तमिल के मासी महीने में माकम नक्षत्र के दौरान मनाया जाता है। मासी मगम के दिन मंदिरों की मूर्तियों का जुलूस निकाला जाता है। इन्हें स्नान के लिए समुद्र के किनारे तालाब या झील में ले जाया जाता है। ये नजारा देखने में ठीक वैसा ही लगता है जैसे मुंबई की गलियों में गणेश चतुर्थी का त्योहार। अगर आप पुडुचेरी घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो मासा मगम का त्योहार के दिन ही जाएं। इसके अलावा इस शहर में एक ऐसा त्योहार भी मनाया जाता है जो किसी की भी जान ले सकता है। सुनने में यह आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम सच है। दरअसल यहाँ आग पर चलने वाला उत्सव मनाया जाता है जो अक्टूबर या नवंबर के महीने में शुरू होता है और करीब 40 दिनों जारी रहता है। इस दौरान लोग भगवा कपड़े पहनकर उपवास रखते हैं और 4 मीटर गड्ढे में जलते हुए कोयले पर चलते हैं। इसके अलावा पुडुचेरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की तुलना में कोई और त्योहार नहीं है जो पुडुचेरी के लोगों का इतने करीब हो। पुडुचेरी सरकार ने साल 1992 से हर साल 4 जनवरी से 7 जनवरी के बीच इस सालाना कार्यक्रम का आयोजन करती आई है, जिसमें दुनिया भर से योग विशेषज्ञों का यहां आगमन होता है। बहुत हो गई बाकी बातें, चलिए आप थोड़ी खाने पीने की बात करते हैं। दोस्तों, आप यहां खूबसूरत नजारों के साथ लाजवाब पकवानों का भी मजा ले सकते हैं। पुडुचेरी में आप फ्रेंच और तमिल पकवानों का मिश्रण देख सकते हैं। यहां के डिशेस में बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होता है। अलग अलग संस्कृतियों के मेल की वजह से खानपान के इंडो फ्रेंच स्टाइल ने कई अनोखे और स्वादिष्ट डिशेस को जन्म दिया है। यहाँ की खासियतों में सब्जी की करी, मुंह में पानी लाने वाले फ्रेंच स्टाइल में केक्स और ब्रेड्स और पेस्ट्री मिलेंगे, कोकोनट करी, सोया डोसा, इटालियन बैक बीन, असाद, तंदूरी पोटैटो, स्टफ्ड कैबेज और भी काफी कुछ। इसके अलावा यहाँ कॉफी बड़ी मात्रा में पी जाती है। दक्षिण भारतीय और फ्रांसीसी संस्कृति का मिश्रण की वजह से ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुडुचेरी वो स्थान है जहाँ के कैफे में आप हाथ से चुनी और भुनी हुई सबसे अच्छी कॉफी का स्वाद ले सकते हैं। अगर कोई शराब पीने का शौकीन है तो उसके लिए खुशखबरी है साहब कि पुडुचेरी में शराब का दाम सबसे कम है। चूंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य नहीं है, इसलिए यहाँ राज्य सरकार के कोई नियम लागू नहीं है और इस प्रकार लोग कम दाम पर शराब पर आनंद ले सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रात के 11 बजे तक यहाँ बार और रेस्टोर बंद हो जाते हैं। पुडुचेरी में काम करने के लिए काफी कुछ है और ये जगह टूरिस्ट की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यहाँ आप कई वाटर एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे स्कूबा ड्राइविंग, सर्फिंग और पैरासेलिंग। पुडुचेरी को हमेशा से ही लोग एक साधारण सा प्रदेश मानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुडुचेरी भारत के पूर्वी तट पर स्कूबा डाइव करने का एकमात्र स्थान है। जी हाँ, सही सुना आपने, भारत के पूर्वी तट पर पुडुचेरी के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको स्कूबा डाइविंग करने को मिले। इसलिए तो इस जगह पर जाने के बाद लोग स्कूबा डाइविंग के कुछ ज्यादा ही मजे लेते नजर आते हैं। आप भी पुडुचेरी जाने के बाद घूमने के साथ साथ स्कूबा डाइविंग के मजे जरूर लें। इसके अलावा यहाँ आप खूबसूरत बीच पर वॉक कर सकते हैं, साथ ही साइट सीन के लिए यहाँ का मौसम बेस्ट है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुडुचेरी घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा माना जाता है। वैसे समुद्री हवा के कारण पूरे साल ये जगह काफी गर्म रहती है। लगभग सभी 12 महीनों में यहाँ का तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है, लेकिन गर्मियों में तापमान कभी कभी 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। मानसून के मौसम में दिन में लगभग 24 घंटे बारिश होती है, जिसके आसपास घूमना मुश्किल हो जाता है। ये एक कारण है कि यहाँ का सर्दियों का मौसम लोगों को आकर्षित करता है। नवंबर से फरवरी पुडुचेरी की यात्रा करने और इसे पूरी तरह से घूमने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है क्योंकि मौसम सुहावना रहता है और तापमान अच्छा। अब जानते हैं पुडुचेरी पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप हवाई जहाज से इस जगह की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो पुडुचेरी का अपना एयरपोर्ट है जो लॉस्पेट में स्थित है। इस टर्मिनल से बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट्स है। वहीं अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो पुडुचेरी का अपना रेलवे स्टेशन है जो विलापुरम और चेन्नई में 5-वे जंक्शन से जुड़ा है। एक्सप्रेस ट्रेनें पुडुचेरी को अन्य पड़ोसी शहरों और राज्यों से जोड़ती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुडुचेरी में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पुडुचेरी शहर घूमने के लिए काफी सस्ता माना जाता है। आपका पुडुचेरी टूर इतने सस्ते में निपट सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको यहाँ सिर्फ 15
1500 से 5000 में होटल मिल जाएगा। अगर आप भारत में है तो आपको पुडुचेरी में एक हफ्ते रहने के लिए 35 से 40000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं और यहाँ चीजों के लिए भी ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। तो ये था भारत के सबसे दिलचस्प प्रदेशों की सूची में शुमार पुडुचेरी। क्या कभी आपने विजिट किया है पुडुचेरी की, और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। आप में से अगर कोई है पुडुचेरी से तो हमें जरूर बताएं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।